औद्योगिक क्षेत्र प्रथमपुर के थाना सेक्टर एक पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें महिंद्रा कंपनी से ऑटो पार्ट्स में चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से करीब 20 लाख रुपए कीमत के चोरी के ऑटो पार्ट्स पुलिस ने जब्त किए हैं। इस चोरी में कंपनी के कर्मचारी ही शामिल थे। थाना प्रभारी संतोष दूधी ने जानकारी देते हुए कहा कि महिंद्रा कंपनी की फार्मा डिवीजन पिथमपुर द्वारा थाना सेक्टर एक पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वार्षिक ऑडिट के दौरान कंपनी से काफी मात्रा में कीमती पार्ट्स गायब है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एक टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस ने जाँच के दौरान सीसीटीवी कैमरे में कंपनी के ही कुछ कर्मचारी संदिग्ध पाए गए हैं। पुलिस ने कंपनी में ही काम करने वाले कर्मचारी सुपरवाइजर सत्यम, हरिओम और रितेश नामक आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी पूछताछ की तो उनके द्वारा चोरी करना कबूल किया है। वहीं उनके कब्जे से करीब 20 लाख रुपए का चोरी का माल बरामद किया। महिंद्रा कंपनी में जो है ऑटो पार्ट्स की चोरी के संबंध में जानकारी मिलने पर वहां के जो मैनेजर हैं ललित शर्मा, उनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके गोडाउन में और कंपनी परिसर में बेशकीमती उपकरण रखे थे जो गायब हो गए हैं। उनकी रिपोर्ट पर मुकदमा कायम किया गया और जब वहाँ के सीसीटीवी कैमरे वगैरह हमने खंगाले तो पता लगा कि बाहर से कोई चोर वहाँ पर नहीं आए थे। जो रूटीन में उनके यहाँ पर कर्मचारी काम करने जाते हैं उन्हीं की एंट्री और एग्जिट हुई है। जब बारीकी से पता किया तो पता ये चला कि कंपनी के ही कुछ कर्मचारी वहाँ पर सुपरवाइजर और ड्राइवर थे, उन्होंने ही काफ़ी समय से थोड़ा थोड़ा सामान उठाकर गाड़ियों में रखकर बाहर ले जाते रहे। जब इनसे पूछताछ की तो इन्होंने ये घटना कबूल की और काफ़ी कीमती सामान जो फोर व्हीलर के इंस्ट्रूमेंट के रूप में उपयोग लाते हैं उनने चोरी किया। करीब 20 लाख रुपए का सामान वहाँ के कर्मचारी हरिओम, सत्यम और रितेश से बरामद हुआ है और अभी इनसे पूछताछ चल रही है। सर लगभग कितने का माल है? करीब 20 लाख रुपए का सामान है ये। इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट होती है जिसकी एक यूनिट की कीमत करीब 15,000 रुपये होती है। इस तरह इनके द्वारा काफ़ी कीमती हिस्से पुर्जे चोरी किए थे और काफ़ी समय से बेचने के प्रयास में थे लेकिन महंगा होने से बिका नहीं मार।